Hi guys, so generally if you see my YouTube channel, you will see ki mostly my video shoot karta hu related to programming and machine learning and deep learning. But abhi recently mujhe ek thought aaya ki mujhe 10 saal ho gaya yaar padhate hue, matlab main 10 saal se classroom setting mein students ko padha raha hu. And I think roughly, I don't have an exact estimate, but I think I roughly taught more than 20,000 students classroom setting mein. To I was sitting and I was thinking, yeah, that's huge. Like 20,000 students, it's like too much. और फिर मैंने notice किया कि यार इसी को तो experience बोलते हैं. मैंने experience क्या किया अपनी field में, right? और वही फिर मैंने decide किया कि एक काम करते हैं. I'll shoot programming videos, I'll create tutorials related to machine learning. But साथ में मैं कुछ general topic पे videos बनाऊँ. And this is the first one of them. इस video में मैं बात करने वाला हूँ how to become a good programmer. A good coder, right? Because मैं mostly programming related courses पढ़ाता हूँ और मैंने over the years student को देखा है अपनी class में आते हुए, grow करते हुए और फिर जाते हुए. तो somehow मेरे को लगता है मेरे पास subconsciously बहुत data है. मैंने observe किया है कि क्या patterns होते हैं एक अच्छे coder के. तो वही मेरे को इस video में share करना है. Okay? Now one more thing guys. Video I guess थोड़ा बड़ा होगा because I'm going to share some stories and some points which I feel came from my experience and I think you will be able to relate to that. That's for sure. So if you are able to sit for like 20-25 minutes, if you have that much time, I would say this video will definitely help you for sure. Okay. So just to better organize the content, मैंने क्या किया कि मैंने पूरे वीडियो को तीन portions में divide किया. Okay. So the end goal is to learn or rather to understand how to become a good programmer. बट उस पूरी चीज को मैंने तीन स्टेप्स में डिवाइड किया कि अगर तुमको अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो देर आर थ्री स्टेजेस. सो द फर्स्ट स्टेज इज कोडिंग सीखने का प्रोसेस या कोडिंग करने के पहले का प्रोसेस, राइट. सेकेंड स्टेज इज जब आप कोडिंग कर रहे हैं, राइट, व्हाइल डूइंग द कोडिंग. एंड द थर्ड स्टेप इज आफ्टर कोडिंग. आप सफिशियंट अमाउंट ऑफ कोडिंग कर चुके हो, अब क्या करना चाहिए, राइट. सो ये तीन तरीके से हमने ऑर्गेनाइज किया पूरे वीडियो को. तो लेट्स नॉट डिले एनीथिंग, लेट्स स्टार्ट with the first section. So before starting to code, okay, so I'll start with this first point. Or this is a story, actually this is a story from my college life. And the whole idea of the story is ki hum kuch galat karte hain coding seekhte time, hum ek galti karte hain. Aur ye mujhe realize karwaya mere ek friend ne. Okay, so mera ek friend hai, currently he is in Amazon. Or when I was in college, he was like one of the main coding guys in our batch. मतलब फाड़ बोल रहा, ठीक है. और कभी कभी हम लोग को देख के लगता था यार तुम कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, हम सोच भी नहीं पा रहे तुम सॉल्व कैसे कर पा रहे हैं. सो आई वॉज क्लोज विद हिम. तो मैंने एक दिन उससे पूछा, अभी बात बता तू, मतलब क्या पहले बचपन से तू कंप्यूटर्स में काम कर रहा है, लाइक प्रोग्रामिंग तू बचपन से कर रहा है क्या? उसने बोला नहीं, मैं कॉलेज में आके फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया. सी प्रोग्रामिंग इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद प्रोग्रामिंग. एंड आई वॉज सो शॉक. मैंने बोला यार जस्ट दो साल ढाई साल हुए हैं, आई वॉज इन थर्ड ईयर आई गेस, सिर्फ दो साल ढाई साल हुए और तू इतना अच्छा कोडर कैसे बन गया? तो ही सेड कि देख मैं तेरे को बता तो दूंगा बट तेरे को बुरा लगेगा. एंड आई वाज लाइक अच्छा, मतलब पता बुरा लगने कोई बात नहीं, मुझे सीखना है. तो ही वाज लाइक तू एक बात बता, जब तू क्लास में बैठा होता है, जब तेरे को टीचर पढ़ा रहा होता है, प्रोग्राम लिख रहा होता है, या तू आई डोंट नो यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल फॉलो कर रहा होता है, तो तू क्या करता है, तू करता क्या है? तो आई सेड कि व्हाट आई डू इज मैं साथ में कोड करने का ट्राई करता हूँ. सो उसका आउटपुट आता है, मेरा आउटपुट आता है, सो आई फील कॉन्फिडेंट क्योंकि मेरा रन कर गया. तो ही सेड नहीं बॉस, मेरे को मैं ये अप्रोच फॉलो नहीं करता. ओके, मैं क्या करता हूँ कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो मैं ऐसे करके देख रहा होता हूँ कि ओके इसने ऐसा क्यों किया, फिर ऐसा क्यों किया, फिर ऐसा क्यों किया. और मैं पूरे टाइम समझने का ट्राई करता हूँ कि कोड में क्या हो रहा है, मैं कोड नहीं कर रहा होता. जैसे ही टीचर ब्रेक करता है, रुकता है थोड़ी देर, फिर मैं लैपटॉप पे काम करना स्टार्ट करता हूँ. और जब मैं लैपटॉप पे काम करना स्टार्ट करता हूँ ना, फिर मैं ब्लैक बोर्ड नहीं देखता, मैं स्क्रीन नहीं देखता, फिर मैं सिर्फ अपने लैपटॉप पे फोकस करता हूँ. तो वाइस एंड यार ये सही लग रहा है, बट देर से हो जाता है, मतलब कोड लिख लेते हैं तो बोला. उसने बोला मैं कम से कम पहले छह महीने नहीं लिख पाता था, मैं हमेशा ब्रेक करता था और मेरे को नहीं समझ में आता था आगे क्या करना है. तो ऐसे फिर क्या करना है? तो उसने बोला उसके बाद मैं फिर से ऊपर देखता हूँ. फिर से जब मैं ऊपर देखता हूँ तो मैं समझता, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं ऐसे बैठा रहता हूँ और मैं समझने का ट्राई करता हूँ कि क्या हो रहा है. फिर जब मैं समझ लेता हूँ तो फिर से ट्राई करता हूँ. एंड गाइस दैट कॉन्वर्सेशन हिट मी. देन आई रियलाइज्ड कि यार मैं कोडिंग तो कर ही नहीं रहा, मैं तो टाइप राइटिंग कर रहा हूँ. कितना फास्ट मैं कोडिंग करता हूँ, राइट. क्लासरूम में टीचर जल्दी जल्दी में करा रहा है बिकॉज पीरियड खत्म हो रहा है, आई डोंट नो टाइम खत्म हो रहा है, और मैं साथ में जल्दी जल्दी कर रहा हूँ. आई एम नॉट इवन फोकसिंग ऑन द कोड, राइट. अब एक बात बताओ यार, जब आप इंटरव्यू सेटिंग में बैठे हो, राइट, आप इंटरव्यू सेटिंग में बैठे हो, आपको एक नया प्रॉब्लम दिया जाए, तो आपका दिमाग नहीं सॉल्व कर पाएगा उसको अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं करवाया.
और प्रैक्टिस कहाँ से होगा? यही क्लासरूम सेटिंग में, यही जब आप वीडियोस देख रहे हो, यहीं पर आपको बैठ करके अपने दिमाग को ये बोलना है कि देख भाई अभी देख ले, बाद में देखने को नहीं मिलेगा, सो अभी जो समझना है समझ, एंड देन यू स्टार्ट ड्रॉइंग आउट पैटर्न्स, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और गेस व्हाट, मैंने अपने स्टूडेंट्स में भी ये पैटर्न नोटिस किया है, देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स इन माय क्लास, हमेशा से रहता है, हर बैच में दो तीन स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पे वो सिर्फ देख रहे हो, समझने का ट्राई कर रहे हो, बहुत एक्टिवली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा पैरामीटर है जज करने का कि कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है, जिसको जो समझने का ट्राई करेगा ना वो क्वेश्चंस पूछेगा, और वो क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर वो कोड करने बैठते हैं, गेस व्हाट, उनका परफॉर्मेंस हमेशा बाकी क्लास से अच्छा रहता है। दैट्स वन पॉइंट, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू, कि हम सीखने में गलती कर रहे हैं, हमारे सीखने का प्रोसेस में थोड़ा गलती है। अब अगेन इट्स माई ओपिनियन, इफ यू फील कि यार मेरे लिए वही काम करता है तो यू कैन स्टिक विद दैट, बट आई फील कि यहां पर एक चीज है जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ओके, सो आई होप मैं ये वाला पॉइंट समझा पाया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। सी, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इफ यू थिंक अबाउट इट। सोच के देखो यार, आपको करना क्या होता है, आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है, आपको उसका सोल्यूशन निकालना है, राइट? अब मैंने नोटिस किया है मेरे क्लासरूम में दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक्चुअली तीन तरीके के होते हैं, एक जिसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो पीछे बैठे रहते हैं, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। सो द फर्स्ट स्टूडेंट इज जो क्या करते हैं, उनको जैसी एरर दिखाना स्क्रीन पे, रेड कलर का कुछ भी आ रहा है स्क्रीन पे, तो दे स्टार्ट पैनिकिंग, सर मेरा एरर आ रहा है, सर मेरा एरर आ रहा है, एंड अगर मैं उनको हेल्प नहीं करूंगा ना तो दे विल बी लाइक अरे बाप रे तो बहुत डिफिकल्ट है यार, ऐसे नहीं होगा। एंड देन देयर इज वन मोर क्लास ऑफ स्टूडेंट जो उसी जगह पे बैठा हुआ है, वो क्या करता है, वो एरर को पढ़ने का ट्राई करता है। ओके, वो एरर को पढ़ने का ट्राई करता है। कुछ स्टूडेंट्स एक स्टेप और आगे जाते हैं, वो लोग एरर को कॉपी करते हैं और गूगल पे पेस्ट कर देते हैं, स्टैक ओवरफ्लो खोलते हैं और पढ़ने का ट्राई करते हैं, समझने का ट्राई करते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। अब मैंने उनको नहीं बोला, वो खुद से ऐसा कर रहा है, राइट? अब आई डोंट नो ये ब्रीड्स कैसे डिसाइड हो रही है, बट मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ ना कि इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ किक-ऐस प्रोग्रामर, गाइस, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ किक-ऐस प्रोग्रामर, आपको एक एटीट्यूड सुधारना पड़ेगा। इफ यू आर समवन जिसको एरर देख के डर लगता है ना, इट वुड बी डिफिकल्ट, आप मुश्किल ही कर पाओगे, ठीक है? बट अगर आपका एटीट्यूड ये है ना कि अरे बॉस ये सॉल्व करूंगा, मुझे सॉल्व करना है, ये सॉल्व किए बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये सॉल्व किए बिना मैं अपना स्मार्टफोन नहीं उठाऊंगा, दैट एटीट्यूड विल हेल्प यू फॉर श्योर, ठीक है? तो rather than being this guy जो डर रहा है, be this guy who is curious, कि अच्छा देखते हैं क्या होता है, अच्छा देखते हैं क्या होता है, अरे ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करूंगा, अरे उससे नहीं हुआ मैं करके दिखाऊंगा, कल्टिवेट दैट एटीट्यूड विल हेल्प यू, राइट? सो दिस वॉज माई सेकेंड पॉइंट। ओके, सो द फर्स्ट वन वॉज दैट लर्निंग मैकेनिज्म, द सेकेंड थिंग इज कल्टिवेटिंग दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। द थर्ड पॉइंट इज, एंड दिस पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट टू दिस, द थर्ड पॉइंट इज कि ब्रेक योर बिगर प्रॉब्लम इन टू अ स्मॉलर प्रॉब्लम, राइट? आई एक्सप्लेन मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो जनरली आपको, आप कभी किसी एग्जाम में बैठोगे या किसी कोडिंग इंटरव्यू में बैठोगे, आई डोंट नो, कोई प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो प्रोजेक्ट जब आप उसको एकदम दूर से देखोगे या पहली बार देखोगे ना, तो आपको वो बहुत डरावना सा बड़ा सा लगेगा। बट अगेन मैंने क्या नोटिस किया, मैं खुद यूज करता हूँ, मैं खुद प्रोग्रामिंग करता हूँ और आई हैव मेड वेबसाइट्स, आई हैव मेड एंड्रॉइड एप्स, एंड दिस इज ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दिस, कि क्या होता है कि अगर आप अपने बड़े प्रॉब्लम को किसी तरीके से छोटे प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर पाओ और फिर उस छोटे प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर पाओ ना, तो दैट्स प्रोग्रेस, एंड प्रोग्रेस विल गिव यू कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस विल एक्चुअली इंप्रूव योर आई डोंट नो एफिशिएंसी और आई डोंट नो फंक्शनैलिटी ऑफ योर ब्रेन, आई डोंट नो कैसे काम करता है, बट पहला स्टेप इज सो इंपॉर्टेंट, गाइस। आई गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल, मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है तो आई विल जस्ट गिव यू स्मॉल एग्जांपल। लेट्स से मुझे गेसिंग गेम बनाना है, ठीक है, छोटा सा है, किसी भी लैंग्वेज में आई हैव टू मेक अ गेसिंग गेम। सो गेसिंग गेम कैसे काम करेगा कि मैं रैंडमली मेरा प्रोग्राम एक नंबर जनरेट कर लेगा और यूजर को बोलेगा गेस करने के लिए, यूजर जब तक गेस नहीं करेगा सही तब तक मेरा प्रोग्राम उसको फिर से चांस देता जाएगा, और इवेंचुअली जब वो सही गेस करेगा तो मेरा प्रोग्राम बोलेगा कि सही बोला तुमने, तुमने 10 बार में अटेम्प्ट किया, ओके? और जब वो गलत बोलेगा तो बताएगा कि यार थोड़ा ऊपर गेस करो, थोड़ा नीचे गेस करो, तुम गलती कर रहे हो, इस तरह का एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है? अगेन एक रैंडम एग्जांपल। अब यहां पर अगर आप पूरा प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको टाइम लग जाएगा, आपको लगेगा यार कैसे स्टार्ट करना है, कैसे शुरू करना है। वहीं पर अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए ना तो एक छोटा सा कोड लिख दो, छोटा सा कोड क्या है कि एक नंबर जनरेट करना है, राइट, और फिर यूजर से नंबर मांगना है और बस इतना बताना है कि सही है या गलत है, सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। अब दैट्स प्रोग्रेस, आई एम नॉट सेइंग आपका कोड कंप्लीट हो गया, बट आपने पहला स्टेप लिया, एंड दैट फर्स्ट स्टेप विल गिव यू कॉन्फिडेंस फॉर यू नो द रिमेनिंग स्टेप्स। तो अगेन जस्ट जब भी आपको दिखे ना कोई बड़ा प्रॉब्लम, उसको छोटे चंक्स में डिवाइड करो, आई कैन गारंटी दैट आपको पहले से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा अपने अंदर, ओके? इसलिए बहुत सारे प्रोग्रामर्स फंक्शंस बहुत यूज करते हैं, फंक्शंस अगर आपने पढ़ा होगा, फंक्शंस इज दिस कॉन्सेप्ट जहां पर आप अपने पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हो। तो मैंने हमेशा देखा है जब भी कोई अच्छा प्रोग्रामर से मिला हूं,
his attitude is like this, अच्छा ये बना रहे हैं ना तो हम इसके लिए फंक्शन बना देंगे, हम इसके लिए फंक्शन बना देंगे, हम इसके लिए फंक्शन बना देंगे, तो एक्चुअली पूरे प्रॉब्लम के टर्म्स में सोचेंगे ना, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ छोटे छोटे फंक्शन के टर्म्स में सोच रहा है, अच्छा एक फंक्शन डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए, एक फंक्शन डेटाबेस में सर्च करने के लिए, एक फंक्शन अपडेट करने के लिए, तो वो पूरे के पूरे प्रॉब्लम को चंक में डिवाइड कर रहा है. ओके, तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. ओके, सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, बिगर प्रॉब्लम, बाय सॉल्विंग इट इन इन स्मॉलर स्टेप्स. ओके, द फोर्थ प्रॉब्लम और द फोर्थ टिप, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पिंग करते हैं व्हाट्सएप पे और मेरे को क्लासरूम में भी बहुत सारे लोग आके पूछते हैं कि सर आपने पढ़ाया, समझ में आया और अच्छा भी लगा और मैंने ट्राई भी किया, बट समहाउ थोड़े दिन के बाद मेरा मोटिवेशन डाई आउट कर गया, फिर मेरे को मन नहीं कर रहा, मतलब मेरे कॉलेज में फेस्ट था, मैं बिजी हो गया, मेरे एग्जाम चल रहे थे, मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा ब्रेकअप हो गया सर, मैं बहुत दुखी हूँ. सो पीपल हैव लाइक दे हैव एक्सक्यूजेस एंड व्हाट दीज एक्सक्यूजेस विल डू इज वो आपका मोटिवेशन खत्म करेंगे. आप खुद नोटिस करना, आप खुद भी जस्ट पिक करते हो ना तो आपका ग्राफ ऐसा रहता है, शुरू में पिक करेगा, पीक पे पहुंचेगा और फिर डाई आउट करता है, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है मोटिवेशन डाई आउट करता है. अब ये कुछ स्पेशल नहीं है गाइस, ऐसा नहीं कि सर आपके साथ हो रहा है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स अ कॉमन थिंग, मेरे साथ भी होता है, बहुत सीनियर लोगों के साथ भी होता है और हर किसी के साथ होता है, इट्स अ ह्यूमन थिंग, सभी फेस करते हैं इसको, मोटिवेशन डाई आउट करना. तो क्या सोल्यूशन, अब अगेन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई टेल यू, सो 4 साल पहले मैं मशीन लर्निंग स्टार्ट करना था पढ़ना, मतलब रिसेंटली नया टेक्नोलॉजी आया था AI एंड ऑल, सो आई वाज लाइक मेरे को पढ़ना है, वैसे क्या चीज है, इसको मेरे को सीखना है क्या है, तो आई थॉट कि क्या करें, मतलब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, बुक्स इधर उधर, लेक्चर्स देखे, कुछ दिन देखा, फिर मेरे को नोटिस किया कि मेरा टाइम घट रहा है, मतलब मैं पहले 1 घंटे पढ़ रहा था, फिर मैं 40 मिनट पढ़ रहा हूँ, फिर मैं 30 मिनट्स, फिर एक आध दिन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो बेसिकली मेरा मोटिवेशन डाई आउट कर रहा था. फिर मेरे को अभी तक याद है कि 2016 में IPL हो रहा था उस टाइम पे, राइट, और ड्रीम 11 बोल के एक कंपनी है जहां पर आप टीम बनाते हो, राइट, तो आई टुक अप दिस प्रोजेक्ट, आई थॉट कि यार एक काम करते हैं, मेरे पास अगर IPL का मैं डेटा कहीं से जनरेट कर पाऊँ जो मेरे को मिल गया एक जगह से, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट अ प्रिडिक्टर जो बेस्ट टीम प्रिडिक्ट कर पाए बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस. एंड यू वोंट बिलीव गाइस, मैंने अगला 4 महीने लाइक डेली इस प्रोजेक्ट के ऊपर 2 घंटा दिया, कम से कम 2 घंटा दिया, वीकेंड्स पे शायद 6-6 घंटे, नहीं बना प्रोजेक्ट, मतलब इफ यू आर इंटरेस्टेड की सर वो अगर बन गया तो शेयर कर दो यार, नहीं बना नहीं सर, बिकॉज क्रिकेट में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं एंड आई वॉज नॉट एबल टू बिल्ड दैट मॉडल, बना था अच्छा काम नहीं कर रहा था, सो बट द गुड पार्ट वॉज कि उस चीज के चक्कर में मैं मशीन लर्निंग में बहुत चीजें सीख गया, मैंने ये एल्गोरिदम ट्राई किया, मैंने ये एल्गोरिदम ट्राई किया, मैंने ये एनालिसिस मारा, मैंने वो एनालिसिस मारा, मैंने सब कुछ किया, 6 महीने मैंने सब कुछ किया, एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकला, बट आज जब मैं पलट के देख रहा हूँ तो आई रियलाइज कि ओ बॉस पर मुझे मशीन लर्निंग आ गया. तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर आपका मोटिवेशन डाई आउट कर रहा है ना तो उसको आप अपने हॉबी के साथ अटैच कर दो. हॉबी क्या होता है आपको पता है ना, हॉबी इज समथिंग जिसके लिए आपके पास इनफाइनाइट पेट्रोल है. सोच के देखो, हॉबी समथिंग जो आपको अच्छा लगता है, हमेशा अच्छा लगता है, इट मीन्स आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए वो करने के लिए, उसके लिए आपके पास इनफाइनाइट पेट्रोल है. सो अगर आपको कुछ भी सीखना है, अगर आप उसको अपने हॉबी के साथ अटैच कर दो ना, तो नाउ यू गेट इनफाइनाइट मोटिवेशन, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मुझे क्या चाहिए, एक एंड रिजल्ट है, एक एंड गोल, एक पिक्चर है, मुझे कुछ चाहिए, राइट. तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोडिंग सीखने के प्रोसेस में उसको अपने पेरेंट्स के बिजनेस में इंटीग्रेट कर देते हैं कि सर मुझे एक वेबसाइट बनाना है जो मेरे पापा के शॉप को ऑनलाइन लेके आएगा, दैट वुड बी वन मोटिवेशन. मेरा एक स्टूडेंट है, उसने कुछ दिन पहले गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए एक वेबसाइट बनाया, फैन पेज, राइट, उस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखा. मेरा एक और स्टूडेंट है, उसने हैरी पॉटर का एक ऐप बनाया, राइट. अब बिकॉज उसके दिमाग में एक मोटिवेशन था कि यार मुझे हैरी पॉटर का ऐप बनाना है, उस प्रोसेस में एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखा, बहुत अच्छे से सीखा, ठीक है. तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ, मैंने कहानी बहुत सुना दी, बट द होल आइडिया इज दिस कि इफ यू आर फीलिंग दिस डाइड आउट मोटिवेशन, मतलब आपको लग रहा है मजा नहीं आ रहा, मन नहीं कर रहा, तो क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर योर सेल्फ. स्मार्ट आदमी अपने लिए फ्रेमवर्क क्रिएट करता है, क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर योर सेल्फ, उसको एक ऐसी चीज के साथ अटैच कर दो जो आपको बहुत पसंद है ऑलरेडी, राइट. सो I guess, again, this point is clear. I know I'm talking a lot, bol raha hu, but I guess you're able to understand. So that was the first part, guys. Ki coding, seekhne ke process mein kya karna chahiye? Theek hai, humne 4 points discuss kiye. Pehla, seekhne ka sahi tarika, right? Second, motivation wala cheez. Third, problem-solving attitude. And finally, the last one, to break your problem into smaller chunks. Okay? So I hope abhi tak video is not boring. And you are able to derive something. Now let's move on to the second part. Okay, the second part where we'll discuss ki during coding, jab aap coding kar rahe ho, to aapko kya karna chahiye. Okay. So now that humne discuss kar liya ki coding seekhne ke process mein kya karna chahiye,
सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं, कोडिंग करते टाइम क्या करना चाहिए. ओके, चार पांच पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा. सो द फर्स्ट पॉइंट इज, आई फर्स्ट टेल यू अ सिनेरियो. सो मैं क्लासरूम में जब भी कोड करवा रहा होता हूँ तो मैं जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स देता हूँ. अब जब भी मैं प्रॉब्लम देता हूँ ना, उसके बाद सिंपल मेरे पास टाइम होता है तो मैं रुक करके देखता हूँ कि स्टूडेंट्स कैसे अप्रोच कर रहे हैं प्रॉब्लम को, और दो तीन तरीके का अलग बिहेवियर दिखता है मुझे. सो पहला बिहेवियर, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जैसे मैंने प्रॉब्लम बोला, उन्होंने सुना और उसी दिन कुछ टाइप करने लगते हैं. आई डोंट नो व्हाट, जस्ट टाइप करने लगते तुरंत, राइट. और जनरली मैंने नोटिस किया है कि ये स्टूडेंट्स वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते. दिस इज डेटा इन माई माइंड, मैंने नोटिस किया. सेकेंड बिहेवियर, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बैठ जाते हैं एंड दे स्टार्ट थिंकिंग कि कैसे सॉल्व करना है. दिस इज बेटर एक्चुअली. देन देयर इज वन मोर क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, वो लोग कॉपी पेन उठा के कुछ लिखने लगते हैं, राइट. एंड दिस इज नाइस, मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है, जो लोग कॉपी पेन उठा के लिखने लगते हैं. क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि ये स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा सॉल्व कर पाते प्रॉब्लम्स, राइट. अब क्यों बोल रहा हूं ऐसा, बिकॉज ये पूरा चीज ओरिजिनेट किया है बायोलॉजी से. मतलब वी ह्यूमन बींग्स, वी आर अ विजुअल स्पीशी. मतलब हम अपने आंखों पे बहुत रिलाई करते हैं, हम पिक्चर्स पे बहुत रिलाई करते हैं. आपने कुत्ते को देखा होगा, उसके सामने से रोटी रखोगे ना तो वो स्मेल करता है, आंखों पे ट्रस्ट नहीं करता. सिमिलरली अस वी ह्यूमन बींग्स वी ट्रस्ट ऑन आर आईज बहुत ज्यादा. दिस इज आवर मेन सेंसरी ऑर्गन. हमारे ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज विजुअल कॉर्टेक्स, जो पूरा का पूरा आई से कनेक्टेड है और उसका इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है. सो हम जब भी सोचते हैं ना, तो हम सोचते हैं पिक्चर्स के टर्म में. आई गिव यू एन एग्जांपल. मैं आपको अगर एक सेंटेंस बोलूं कि सो आई क्रिएटेड अ प्रोग्राम विच कैन प्ले टिक टैक टो, राइट. अब आपके दिमाग में पिक्चर बन रहा है कि एक प्रोग्राम है जो टिक टैक टो खेल रहा है, तो टिक टैक टो का पिक्चर, उस प्रोग्राम का पिक्चर, यू आर एबल टू यू नो प्रोसेस दिस इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स. नाउ अगेन मैं तुमको एक स्टेटमेंट बोलूं कि सो आई क्रिएटेड एन एजेंट यूजिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग विच कैन प्ले टिक टैक टो. सडनली से दिस स्टेटमेंट इज बिट मोर कंफ्यूजिंग, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स आ गए जिनका पिक्चर क्रिएट नहीं कर पाए. सो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम्स मिलती हैं, प्रोग्राम्स आपको करने हैं, आपको वो सॉल्व करना है, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू स्टार्ट विथ व्हाइट बोर्डिंग. व्हाइट बोर्डिंग क्या होता है, इट्स अ फेमस थिंग इन प्रोग्रामिंग सर्किट्स. सो प्रोग्रामर्स के पास एक व्हाइट बोर्ड सॉर्ट ऑफ चीज होती है, जहां पर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, सूडो कोड्स लिखते हैं. इनफैक्ट आप जब इंटरव्यू में बैठोगे ना, वहां पे हर टेबल पर एक छोटा सा ऐसा कॉपी रखा रहता है, लाइक दिस कॉपी, लाइक दिस यू विल फाइंड लाइक दिस. ओके, यहां पर आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो. इवन कंपनीज को पता है कि यार जब प्रॉब्लम सॉल्व करने का देंगे तो उसके पहले उसको ये करना पड़ेगा, राइट. सो ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड कोडर, मेक दिस हैबिट कि आप प्रोग्राम करने के पहले एक बार उसका पिक्चर ड्रॉ करो अपने माइंड में. और वो पिक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको व्हाइट बोर्ड का जरूरत पड़ेगा, एक कॉपी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है. एंड दिस प्रैक्टिस आई कैन गारंटी यू दैट, बिकॉज ये मैंने अपने अंदर फील किया, मैंने अपने स्टूडेंट्स के अंदर फील किया है, विल डेफिनेटली इंक्रीज योर एफिशिएंसी ऑफ सॉल्विंग प्रोग्राम्स. ओके, सो दिस वॉज माई फर्स्ट टिप व्हाइल डूइंग प्रोग्रामिंग, यूज व्हाइट बोर्डिंग. सो द सेकेंड टिप इज रिलेटेड टू बूस्ट योर कोडिंग स्टैमिना. सो देखो यार, जब आप कंपनी में जॉब करने जाओगे ना, तो वहां पे आपको 8-8 घंटे बैठ के कोड करना पड़ता है, और अगर आपको उसका प्रैक्टिस नहीं है ना, तो शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है. सो आई वुड रिकमेंड कि किसी भी तरीके से आपको अपना कोडिंग का स्टैमिना बढ़ाना है. मतलब एक साथ बैठ के आटा स्ट्रेच 3 घंटा कोड कर लिया, 4 घंटा कोड कर लिया, रात भर कोड कर लिया. अब आई कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मेरे को पता आप कहाँ पे रहते हो, आप रहते हो या तो हॉस्टल में, या फिर किसी पीजी में, या फिर अपने घर में, और इन सभी जगह पे बहुत शोर होता है. हॉस्टल में तो इनसेन, मतलब हॉस्टल में देयर इज दिस लॉ कि अगर सबका पढ़ने का मन नहीं है तो कोई नहीं पढ़ेगा, राइट. एंड आई अंडरस्टैंड दिस बिकॉज मैं रहा हूं हॉस्टल में. तो ऐसे सिनेरियो में आप कैसे इंश्योर करोगे कि आपका कोडिंग आप लंबे स्ट्रेच पे कर पाओ, राइट. सो हियर इज माय सॉल्यूशन, यूज अ गुड पेयर ऑफ हेडफोन्स. मतलब एक अच्छा हेडफोन ले लो, वो वाला नहीं यार, इन द ईयर वाला नहीं, नॉट दिस वन. आई वुड प्रेफर दैट ओवर द ईयर वाला नहीं होता जो पूरा ढक लेगा आपके कान को, राइट. दैट इज मच बेटर. स्नाइजर के कुछ हेडफोन्स आते हैं, यू कैन टेक दैट. बहुत महंगा नहीं होता है, आई गेस 1500-2000 में आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा. सो टेक दैट, राइट. अब हेडफोन खरीद के सुनना क्या है? सो अगर आप बोल रहे हो कि मैं तो म्यूजिक सुनूंगा यार, मैं म्यूजिक सुनता हूँ, तो आई वुड से म्यूजिक में एक प्रॉब्लम है. म्यूजिक में लिरिक्स होता है, और लिरिक्स में वर्ड्स होते हैं, और वर्ड्स जब भी आपके दिमाग को मिलेगा वो पिक्चर्स क्रिएट करेगा, जैसा मैंने डिस्कस किया. और वो पिक्चर्स डिस्टर्बिंग है, मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, राइट. सो अब आपको क्या करना चाहिए, मतलब मैंने ये एक्सीडेंटली डिस्कवर किया, सो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. एंड इट्स अ किक-ऐस थिंग. देयर इज दिस थिंग कॉल्ड बाइनॉरल बीट्स, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं.
सो बाइनोरल बीट्स क्या होते हैं? बाइनोरल बीट्स बीट इज बेसिकली डिजिटली क्रिएटेड म्यूजिक, मतलब म्यूजिक क्या है, मतलब वो बस साउंड है, उससे करके आवाज आती है। यूट्यूब पे भर के प्लेलिस्ट पड़ा हुआ 8-8 घंटे का बाइनोरल बीट्स। होता है क्या बाइनोरल बीट्स में कि आपके दोनों कान में ना दो अलग साउंड्स भेजे जाते हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है अराउंड 10 हर्ट्स का। अब अगेन इट्स साइंटिफिकली प्रूवन, इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग कि इस तरह का साउंड जब भी आपके कानों के थ्रू आपके दिमाग में जाता है ना तो आपका अटेंशन लेवल को एनहांस करता है। और मैंने गाइस सच में फील किया है, मतलब मैंने ये कुछ 6 साल पहले डिस्कवर किया था किसी ब्लॉग पोस्ट में पढ़ के, और मैंने जैसे उसको यूज करना स्टार्ट किया बाइनोरल बीट्स को, गेस व्हाट, 3 घंटे में कोड करूं मेरे को पता ही नहीं चलना। आई वाज सो फोकस्ड कि पता नहीं चला कि 3 घंटे बीत गए। तो एक बार ये ट्राई करना, ठीक है? यू कैन गो फॉर बाइनोरल बीट्स, और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर रेन म्यूजिक। रेन, बारिश के गिरने की आवाज होती है ना, वो भी अगर आप सुनोगे ना तो बहुत सूदिंग होता है और मतलब बहुत एक काम इफेक्ट होता है उसका, ठीक है? सो ये बाइनोरल बीट्स, रेन म्यूजिक, इन सबका और भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मैं एक लिंक शेयर करूंगा, वो पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। और मैं कुछ बायनॉरल बीट्स जो मैं सुनता हूँ उसके ट्रैक्स का लिस्ट भी शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यू कैन लिसन टू दैट। ओके, सो दिस वॉज माई सेकंड टिप, यूजिंग अ हेडफोन एंड लिसनिंग टू बायनॉरल बीट्स। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टिप। सो ओवर द इयर्स, नाउ दैट व्हेन आई सी, मैं रियलाइज करता हूँ कि एक चीज जिसने मेरे प्रोग्रामिंग स्किल्स को बहुत इंप्रूव किया है, दैट इज डीबगिंग, मतलब कोड को डीबग करना। मतलब इट्स अ वेरी अंडररेटेड स्किल टू बी ऑनेस्ट। मतलब लोगों को लगता है प्रोग्रामिंग करना, लॉजिक बिल्ड करना, प्रोग्राम्स रन करना बड़ी बात है, बट डीबगिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी गाइस। और डीबगिंग मेरे को सोचना सिखाया कि लैंग्वेज कैसे चाह रहा है कि आप कोड करो, राइट? और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, राइट? आई कैन इनफैक्ट टेल यू कि जब मैं कंपनी में काम करता था वर्सेस जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, नाउ आई हैव बिकम अ बेटर प्रोग्रामर बिकॉज मैं भर भर के स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। मतलब एक प्रोग्राम लिखने के बाद क्लास में लाइक 15 पीपल रेज देयर हैंड एंड दे से कि सर मेरा एरर आ रहा है, और बहुत कम टाइम में मुझे इतने सारे लोगों का जब डिबगिंग करना पड़ता है ना, तो वो पता नहीं मेरे अंदर मेरा प्रोग्रामिंग स्किल को एनहांस किया, राइट? एंड आई थिंक यू शुड फॉलो दिस पाथ टू। अगर आपको कभी भी स्कोप मिले, ये चांस मिले कि आप लोगों का कोड डीबग करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो डू इट बिकॉज इट विल एक्चुअली हेल्प यू, राइट? क्योंकि आपको पैटर्न्स पता चलते हैं एरर्स के कि अच्छा ये एरर आ सकता है, ये एरर आ सकता है। आई नो डीबगिंग थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग होता है। मतलब मैंने आई गेस कम से कम 15-20 बार अपनी लाइफ में ऐसे टाइम पे मैं आया हूँ जब वो एरर में से समझ ही नहीं आ रहा कि क्या एरर, मैं 3-4 घंटे उसी कोड को देख रहा हूँ और कुछ हो नहीं रहा है, सो फ्रस्ट्रेटेड। एंड में पता चला कि यार एक सेमी कॉलन नहीं लगाया, एक ब्रैकेट छूट गया। तो आई नो इट्स वेरी वेरी पेनफुल, बट आप अगर वो डिबगिंग स्किल डेवलप कर लेते हो, बिकॉज डिबगिंग इज एन आर्ट गाइस, वो अगर आप स्किल डेवलप कर लेते हो ना, फिर आप बहुत फास्ट पेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करोगे, राइट? सो अगर आपके पास लोग नहीं है जिनका आप कोड डिबग कर सकते हो, तो हियर इज माय सॉल्यूशन। आपको स्टैक ओवरफ्लो तो पता ही है, राइट? मतलब हर प्रोग्रामर को पता है स्टैक ओवरफ्लो क्या है, और स्टैक ओवरफ्लो से जनरली हमारा रिलेशनशिप कैसा रहता है कि हम बस वहां से लेते हैं, राइट? हम वहां पे जाते हैं, कोड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। नाउ इसका उल्टा करो, ठीक है? वहां पे प्रोफाइल बनाओ और टेक दिस प्लेज कि बॉस कुछ भी हो जाए, डेली मैं 2 लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा स्टैक ओवरफ्लो पे। फायदा, आपका डिबगिंग स्किल बढ़ेगा, स्टैक ओवरफ्लो पे आपका प्रोफाइल अच्छा होगा, विच कैन एक्चुअली हेल्प यू गेट अ जॉब। सो आई गेस आई वॉज एबल टू टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। दिस इज द थर्ड पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू टिप 4, कोड रीडेबिलिटी। सो आप जब प्रोग्राम लिखते हो ना, स्पेशली जब आप कॉलेजेस में प्रोग्राम लिखते हो एज अ स्टूडेंट, पूरा का पूरा फोकस सिर्फ इस चीज पे होता है कि पहले तो आउटपुट आ जाए, और अगर आउटपुट आ रहा है ना, तो उसके बाद लोग बहुत बात करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम कितना लगा, कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सारा डीएस एल्गो आप इसीलिए पढ़ते हो कि आप ये सब चीजें रिड्यूस कर पाओ, एंड पीपल आर ऑब्सेसिव अबाउट दिस थिंग्स, राइट? बट आई विल टॉक अबाउट अ डिफरेंट थिंग, इट्स कोड रीडेबिलिटी। ओके, सो वॉट इज कोड रीडेबिलिटी? सो कोड रीडेबिलिटी इज दिस एस्पेक्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग जहां पर यू जस्ट मेक श्योर कि बॉस मेरा कोड इज रीडेबल। मतलब अगर आप खुद 6 महीने बाद आकर के अपना कोड देख रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने 6 महीने पहले क्या सोचा था, क्या सोच के कोड लिखा था, राइट? और कोड रीडेबिलिटी में कुछ ज्यादा चीजें होती भी नहीं है, 2-3 चीजें ही होती है, आई टेल यू। सबसे पहला होता है कि आप कमेंट्स लिखो, राइट? जब भी एक कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ कोड लिख रहे हो या एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, उसके बारे में लिखो कि यार ये फंक्शन मैंने क्यों बनाया, ये क्या करता है, इसका इनपुट फॉर्मेट क्या है, इसका आउटपुट फॉर्मेट क्या है, ये किस डेट पे बना, लास्ट कब एडिट हुआ, इस तरह की चीजें आप लिखो, इसको डॉक्यूमेंट कर, राइट? सेकेंड, आप जब वेरिएबल्स का नाम क्रिएट कर रहे हो ना, तो आप ऐसे नाम दो जिसको देख करके समझ आ जाए कि वो वेरिएबल का काम क्या है,
राइट, जब आप फाइल्स को सेव कर रहे हो तो ऐसे नाम से सेव करो कि समझ में आ जाए नाम पढ़ करके कि फाइल में क्या लिखा होगा, राइट। देन देयर इज इंडेंटेशन, आप कोड को इंडेंट करके लिखो जिससे समझ में आए कि ओके ये लॉजिकल ब्लॉक इस लॉजिकल ब्लॉक के अंदर आ रहा है। ओके, बस इतना करने से आपका कोड रीडेबिलिटी इंप्रूव कर जाता है, ट्रस्ट मी, इट्स दैट सिंपल। नाउ आई विल टेल यू टू थिंग्स, फर्स्ट व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो क्यों इंपॉर्टेंट है? इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। जब आप कंपनी में जाके काम करोगे ना तो आप अकेले काम नहीं करोगे, आप टीम में काम करते हो। लाइक 50 लोगों की टीम है, 100 लोगों की टीम है, 200 लोगों की टीम है, आप टीम में काम करते हो। कभी कभी तो ऐसा होगा ना कि आप एक फाइल में आपके साथ आपके टीममेट्स काम कर रहे हैं, मतलब 400 लाइन के ऊपर एक प्रोग्राम है, 400 लाइन के नीचे आप कोड कर रहे हो, एक बंदा बैंगलोर में काम कर रहा है, आप दिल्ली में काम कर रहे हो, दिस इज नोन एज कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट। अब वहां पर अगर आपका कोड रीडेबिलिटी टेक्निक खराब है तो आपकी टीम को प्रॉब्लम होगा, ये आप समझने का ट्राई करो। सोच के देखो, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आई डोंट नो पासपोर्ट सर्विस का एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, ओके, और आपने कस्टमर का आधार कार्ड लेने वाले वेरिएबल को ए के नाम से स्टार्ट किया, मतलब आप ए नाम के वेरिएबल में कस्टमर का आधार कार्ड स्टोर कर रहे हो। अब आपका दूसरा प्रोग्रामर पूछ रहा है भाई ये ए क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बोल रहे हो कि यार इसमें हम आधार कार्ड स्टोर करेंगे, डोंट यू थिंक वहां पे नाम क्या होना चाहिए था, आधार अंडरस्कोर नंबर, राइट। सो इस तरह की छोटी चीजें आपके करियर को इम्पैक्ट कर सकती है। ओके, नाउ आई विल टेल यू कि कोड रीडेबिलिटी कोड में ना होना आपके लिए कितना डेंजरस है। सो टू बी ऑनेस्ट, अगर आप बहुत अच्छे कोडर, आप हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, बट आपका कोड रीडेबिलिटी स्किल जीरो है, तो यू आर लाइक अ बैट्समैन जो हर बॉल पे सिक्स लगा सकता है, बट उसका एक ही प्रॉब्लम है कि वो सामने वाले बैट्समैन को रन आउट करा देता है। व्हाट डू यू थिंक, ऐसे बैट्समैन को आप टीम में रखोगे? ऑब्वियसली नहीं। सिमिलरली इस तरह के कोडर्स को भी कोई टीम में नहीं रखना चाहता। इनफैक्ट आई विल टेल यू टू स्टोरीज फ्रॉम माई लाइफ। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टोरी जो जिसका यू नो इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा। सो आई वॉज अ फ्रेशर व्हेन आई जॉइंड दिस सॉफ्टवेयर कंपनी, आई नॉट टेक द नेम। सो वहां पे मुझे एक प्रोजेक्ट में डिप्लॉय किया गया जहां पर एक यूरोपियन क्लाइंट था और हम उसके लिए एक वेबसाइट बना रहे थे। सो इट वॉज अ ट्रैवल एंड टूरिज्म वेबसाइट। सो वहां पे बहुत सारे मॉड्यूल्स थे, लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, बुकिंग, रिव्यू और लाइव GPS ट्रैकिंग फॉर बसेस, इस तरह के बहुत सारे मॉड्यूल्स थे। ओके, सो हम तीन लोगों को एक स्पेसिफिक मॉड्यूल दिया गया लाइव GPS ट्रैकिंग वाला, एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग काम है, मुझे करना है। और उस टाइम पर मैं जस्ट कॉलेज से निकला था, तो मैं मतलब उतना ध्यान नहीं देता था कोड रीडेबिलिटी पे। सो मैंने पूरा का पूरा कोड लिखा 3 महीने अपने टीममेट्स के साथ, और हम तीनों में से किसी ने भी कभी कोड रीडेबिलिटी पे ज्यादा फोकस नहीं किया, बिकॉज वी वर फ्रेशर्स। सो वन फाइन डे जब कोड कंप्लीट हो गया, हमने डिप्लॉय कर दिया, वेबसाइट काम कर रहा था, सो आई टोल्ड माय मैनेजर कि बॉस मुझे घर जाना है, बहुत दिन हो गए घर गया, एंड ही वाज लाइक जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड आई स्टिल रिमेंबर इट वाज दुर्गा पूजा और समथिंग कुछ था ऐसा, हॉलीडेज चल रहे थे, एंड आई वाज आउट विद माय पेरेंट्स पैंडा वॉपिंग, एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरे को मेरे मैनेजर का कॉल आया, एंड ही सेड कि यार तू तो घर गया हुआ था, सो मैंने कोड पे तेरे बदले इस बंदे को बैठाया, एंड ही इज हैविंग सम डाउट्स, सो एक बार उससे बात कर ले। तो मैंने बोला हाँ दो आप फोन। मैंने उस बंदे को फोन पे बात किया और मैंने उसका सारा डाउट क्लियर किया। उसने मेरे से पूछा कि ये वेरिएबल यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सब तरह के डाउट्स मैंने क्लियर किया। कुछ 15 मिनट के कॉल के बाद मैं वापस आया, और गेस व्हाट, फिर से आधे घंटे के बाद कॉल आता है मैनेजर का, उसने बोला कि यार उसको फिर से डाउट हो रहा है, एक बार समझाओ ना। एंड आई वाज लाइक फाइन आई डू इट। मैंने फिर 15 मिनट असिस्ट किया फोन पे, राइट। कुछ आधे घंटे के बाद फिर से कॉल आता है। अब इस पॉइंट पे मेरे पेरेंट्स को लग रहा था कि मैं साइड में जाके स्मोक कर रहा हूँ, राइट। सो मैंने फिर से जाके पेशेंटली समझाया। चौथी बार मेरे को जब कॉल आया ना, तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया, एंड मैंने थोड़ा सार्कास्टिकली अपने मैनेजर को बोल दिया कि बॉस अगर आपको काम ही करवाना था तो छुट्टी क्यों दे दी। एंड ये बात उसको लग गई, राइट। उसने मेरे को शो नहीं किया, बट मेरे को फील हुआ कि उसको कुछ बुरा लगा। उसने बोला अरे सॉरी आई वोंट डिस्टर्ब यू अगेन, और उसने कॉल काट दिया और दोबारा उसका कॉल नहीं आया, राइट। एंड दिस वाज आई गेस अक्टूबर। ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत गए, मैं नॉर्मल ऑफिस में गया, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वी वर नॉर्मल। मार्च अप्रैल के अराउंड में अप्रेजल का पीरियड था, जहां पर आप अपने मैनेजर को बताते हो कि आपने क्या क्या किया पिछले एक साल और आपको सैलरी बढ़ाना चाहिए, राइट। सो आई वॉज इन दिस अप्रेजल मीटिंग और मैं बात कर रहा था अपने मैनेजर से कि बॉस मैंने ये किया, मैंने क्लाइंट्स को हैंडल किया, मैंने फोन कॉल्स किए, मैंने ईमेल्स हैंडल किए, मैंने ये मॉडल बनाया, वो सेम एवरीथिंग दैट आई डिड। बट माई मैनेजर वॉज लाइक नहीं यार इतना तो तुम करोगे, इतना तो करना ही चाहिए तुमको, एंड ही वॉज टोटली नेगेटिव मी। मतलब वो चाह रहा था कि मेरा किसी भी तरीके से मेरे को फायदा ना हो। एंड देन आई रियलाइज कि ओ ये उस दिन का बदला गया है, राइट। अब ध्यान से देखो, ये सब अगर मैं बैक ट्रैक करूँ तो ये सारा प्रॉब्लम क्यों आया, क्योंकि मैंने कोड नहीं लिखा, सॉरी मैंने कमेंट नहीं लिखा, राइट। और कमेंट नहीं लिखने की वजह से उस दिन मेरा अप्रेजल नहीं हुआ, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरी शादी नहीं हुई इस बंदी से जिसके साथ होनी चाहिए थी,
मेरे बच्चे स्कूल में नहीं गए जहां पर कुछ आना चाहिए था. सो या मतलब आई नो, मतलब मैं जोक्स क्रैक कर रहा हूँ इस बात पे, बट यार यू कैन टोटली अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग. इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. कॉलेज में आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कॉलेज में जो टीचर्स आपके हैं जो आपको पढ़ाते हैं वो इंडस्ट्री में जाके कोडिंग नहीं करते, तो इस तरह का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते. तो दे विल जस्ट से कि कमेंट पढ़ लो या कमेंट ये करता है, बट आपको उसका ट्रू रिक्वायरमेंट समझ में आएगा जब आप इंडस्ट्री में जाके काम करोगे या इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों से बात करोगे. सो ट्रस्ट मी गाइस, आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर, राइट कमेंट्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ आई टेल यू वन मोर स्टोरी अबाउट माई इंटर्न्स और कैसे एक छोटी सी गलती ने उनका इंटर्नशिप खराब किया. ओके, एंड अगेन दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस कोड ऑन योर स्क्रीन. सो ये हमारी कंपनी का कोड है, हमारी वेबसाइट का. ओके, और ये कोड PHP में लिखा हुआ है. अगर मैं स्क्रोल डाउन करूं तो यू वुड सी कि इट्स अ बिग कोड, अराउंड 3000 लाइंस है और ये एक फाइल है. इस तरह की और बहुत सारी फाइल्स हैं हमारी वेबसाइट में. ओके, सो जब ये वेबसाइट बन रहा था तो उसी पॉइंट पे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा था एंड आई वॉज द मेन डेवलपर. सो आई टोल्ड माई टीम कि बॉस मैं ट्रेनिंग और ये डेवलपमेंट साथ में नहीं कर पाऊंगा, सो मुझे कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. और सोल्यूशन क्या था कि मैं इंटर्न्स हायर करूंगा. सो मैंने एक वेबसाइट पे जाकर के इंटर्न्स के लिए पोस्ट क्रिएट किया और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, राइट. और मैंने फिर उसमें से कुछ लोगों को हायर किया एंड देवर फ्रॉम अ गुड कॉलेज. ओके, एंड देवर लाइक इन थर्ड ईयर आई गेस इन कंप्यूटर साइंस. इन फैक्ट देवर इन देयर फिफ्थ सेमेस्टर. ओके, सो व्हेन आई टुक देयर इंटरव्यू आई नोटिस दिस कि देवर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. मतलब उनके बात करने के ढंग से लग रहा था कि बहुत कॉन्फिडेंट है और देवर एक्सपीरियंस विथ PHP एंड दे हैड प्रीवियसली वर्कड इन अ स्टार्टअप. सो सारा क्राइटेरिया सही से मैच कर रहा था. सो मैंने उनको बुलाया अपने ऑफिस में और मैंने उनको काम समझाया कि तुमको ये वेबसाइट बनाना है. और मैंने बोला तुम्हारे पास 3 वीक्स का टाइम है, बस 3 वीक्स में मुझे डिलीवर करके दो. एंड देवर लाइक सर आप टेंशन मत लो, हो जाएगा. पहला 2-3 दिन उनको थोड़ा सा मुझे गाइड करना पड़ा, बट 2-3 दिन के बाद वो लोग एकदम ऑटोनोमस मोड में आ गए. ऑफिस में आते थे, मेरे से पूछे बिना काम करते थे, चले जाते थे. एंड गेस व्हाट, 15th डे, 2 हफ्ते के बाद वो लोग मेरे को पिंग करके बोलते हैं सर हमने साइट डिप्लॉय कर दिया, चेक कर लो, राइट. एंड दैट वाज सरप्राइजिंग. मैंने बोला यार 3 वीक का टाइम था, 2 वीक्स ही खत्म हो गया. एंड देवर लाइक हाँ चेक करो आप. मैंने चेक किया, मक्खन फ्लॉलेस, वेबसाइट में कोई एरर नहीं और एकदम सही चल रहा है वेबसाइट. आई वाज सो हैप्पी. मैंने उनको स्टाइपेंड दिया, मैंने उनको रिकमेंडेशन लेटर लिख के दिया कि यार इन लोगों को हायर करो, ये सही लोग, राइट. एंड दिस वाज अगेन आई गेस दिसंबर. ओके, सो 2-3 महीने के बाद मेरे को उस वेबसाइट में चेंज करना था, राइट. सो चेंज करने पे आई थॉट कि यार एक काम करते हैं, उन्हीं इंटर्न्स को दोबारा बोलते हैं, दे विल बी एबल टू डू इट, क्योंकि कोड उन्होंने ही लिखा है. तो मैंने उनमें से एक को फोन किया और मैंने बोला कि अगर तू फ्री है तो ये छोटा सा चेंज करना कर पाएगा. तो ही सेड नहीं सर, हम तो 6th सेमेस्टर में आ गए, हमारा तो प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग चल रहा है, अभी टाइम नहीं मिलेगा. तो जब वेकेशंस पड़ेंगे ना समर में, तब हम लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. तो आई वाज लाइक नहीं यार, 2 महीने तो बहुत ज्यादा है, 2 महीने कौन वेट करेगा. ठीक है, काम करो, कोड मेरे पास है, मैं खुद कर लूंगा, इट्स ओके. अब गाइस उस दिन का मैं आपको बात बताता हूँ. मैंने ये कोड ओपन किया, अराउंड 3000 लाइंस. द ओनली डिफरेंस वॉज कि ये कोड ऐसा नहीं दिख रहा था जैसा यहाँ पर है. There was slight difference. ये सारी की सारी lines एक जगह से start हो रही थी. Like there was no indentation. 3000 lines without indentation. सारा का सारा code एक single line. अब ये code error through नहीं करेगा, but ये readable भी नहीं था. जब ये code मैंने ऊपर से नीचे तक scroll किया, मेरा हाथ मेरे सर पे ऐसे चला गया और मेरे मुंह से जो word निकला ना, it starts with M. Okay? I know I'm saying this on camera. बट इट वॉज सो फ्रस्ट्रेटिंग. अगला 3 घंटा मैंने अपनी लाइफ में ये किया कि मैंने एक दूसरे बंदे का कोड समझने का ट्राई किया और उसको इंडेंट किया. मतलब उस दिन मेरा हाथ इतना थक गया था कि मैंने अपने पैरों से अपने हाथों को दबाया. ट्रस्ट मी, लाइक इट वॉज क्रेजी. उस दिन मैं और कुछ नहीं किया एंड दैट वॉज, मैं अंदर से गुस्सा आ रहा था मेरे को अपने इंटर्न्स के ऊपर. मैंने उनको कॉल किया अगले दिन और मैंने बोला ये क्या किया बॉस तुमने, ये कि कोड कैसे लिखा तुमने. एंड हिज रिस्पॉन्स वॉज एपिक. उस रिस्पॉन्स के बाद मैं कुछ बोल ही नहीं पाया. ही सेड बॉस सर काम तो कर रहा है ना, दैट वॉज हिज रिस्पॉन्स. एंड आई सेड हाँ भाई काम तो कर रहा है, मैंने फोन रख दिया. गेस वॉट, मैंने अगले समय में उनको वापस हायर किया कि नहीं किया. कोई नहीं करेगा इस तरह के प्रोग्रामर्स को, कोई हायर नहीं करेगा क्योंकि उनका कोड रीडेबिलिटी स्किल 0 है, राइट. क्या वो खराब प्रोग्रामर्स हैं? नहीं, उनका लॉजिक लेवल बहुत सही था, उनका एंथुजियाज्म लेवल बहुत सही था, ऑनेस्टी था उनके काम में. बट एक बहुत मेजर फ्लॉ था कि उनका कोड रीडेबिलिटी एस्पेक्ट एकदम 0 था. सो गाइस अगेन मैंने आपको 2 स्टोरी सुनाई और दोनों से मैं आपको एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ कि एज अ बिगिनर हम सब ये गलती करते हैं कि हम अपने वेरिएबल्स का नाम ABCXYZ लिखते हैं. अगर आपको ये आदत पड़ गई है ना तो ये आपको आगे जाके परेशान करेगी. सो दिस इज द राइट टाइम टू यू नो
क्रिएट दिस हैबिट जहां पर आप कोड रीडेबिलिटी को बहुत प्रमोट करो अपने कोड में. ओके आई होप आई वॉज क्लियर. ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट स्टेप इन दिस सेक्शन. ओके सो द लास्ट स्टेप इन दिस सेक्शन इज टू कोड इन अ टाइम्ड एनवायरनमेंट. बाय दैट आई मीन कि जब भी आप कोड करो आप एक टाइमर चला लो. क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, आई गिव यू एन एग्जाम्पल. मेरे कॉलेज में एक मेरा क्लासमेट था, बैचमेट, ही वॉज अ किकास प्रोग्रामर. मतलब हमने इसको कोड करते हुए देखा था और लॉजिक बिल्डिंग उसका बहुत सही था. ही वॉज अ गुड प्रोग्रामर, राइट. बट जब हम फोर्थ ईयर में पहुंचे उसका प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा था समहाउ इंटरव्यूज में, और बेसिकली उसे एग्जाम्स क्रैक नहीं हो रहे थे प्रोग्रामिंग वाले. प्रोग्रामिंग करता था बट जब भी एग्जाम में वो कोड करने बैठता था उससे नहीं हो पा रहा था. एंड हमने उससे बात की तो उसने बताया कि यार मैं नॉर्मली कोड कर लेता हूँ बट जब मेरे दिमाग में प्रेशर डाला जाता है ना कि इतने टाइम में मुझे कोड करके दो तो मेरा दिमाग थोड़ा सा पैनिक कर जाता है. एंड आई गेस आप इससे रिलेट कर पाओगे, सभी इससे रिलेट कर पाएंगे, राइट. वो जो टाइम फैक्टर होता है ना वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है. तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जब आप नॉर्मली भी कोड करो ना तो खुद के ऊपर वो प्रेशर बढ़ाओ. उससे क्या होगा कि आपका दिमाग को उस प्रेशर का आदत पड़ने लग जाएगा, राइट. सो मैं पर्सनली क्या करने लग गया हूँ पिछले आई डोंट नो कितने सालों से, कि जब भी मैं कोई कोड करने बैठता हूँ, छोटा बड़ा जैसा भी कोड है, मेरे पास एक एस्टिमेट होता है कि इतना टाइम लगेगा इस कोड को करने में. मैं गूगल पे जाता हूँ और मैं बस वहां पे लिख देता हूँ सेट अ टाइमर फॉर दिस मच मिनट्स, और एक टाइमर चलते रहता है और मेरे दिमाग को पता है कि उस टाइमर के कोड के मतलब उस टाइम लिमिट में मुझे कोड करना है, राइट. और गेस व्हाट, जैसे वो टाइमर बढ़ रहा होता है वो प्रेशर भी बढ़ रहा होता है. आई डोंट नो मतलब किसी ने वो प्रेशर क्रिएट नहीं किया मेरे ऊपर, बट आई डोंट नो इट्स ह्यूमन बिहेवियर कि टाइम जैसे जैसे क्लोज आता है हम प्रेशर फील करते हैं. और आप उस प्रेशर में जब कोड करने का प्रैक्टिस करने लगोगे ना गाइस, तो वो आपको एक्चुअली हेल्प करता है इंटरव्यू सिनेरियोस में. वहां पर जब आप बैठोगे और आपको बोला जाएगा कि आधे घंटे में कोड करके दो, तो अब ये कोई नया बात नहीं है, आपने इसका प्रैक्टिस सालों साल किया है और अब आपका दिमाग पैनिक नहीं करेगा क्योंकि वो एग्जिस्ट कर चुका है इस तरह के एनवायरनमेंट में कोड करने का, और इट विल एक्चुअली हेल्प यू. ओके सो आई होप दिस लास्ट प्रैक्टिकल टिप वॉज यूजफुल. ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेक्शन. ओके वेयर वी विल डिस्कस कि अब आप अच्छे कोडर बन चुके हो, आप कोडिंग करना जान गए हो, फाइनली आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए जस्ट टू यू नो बी अ ग्रेट कोडर. ओके ओके सो नाउ दैट यू हैव डन अ बिट ऑफ कोडिंग और यू आर कंफर्टेबल विद इट, राइट, आपने कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं और अब आपको लगता है कि येस आई कैन डू प्रोग्रामिंग, अब क्या करना चाहिए? ओके सो यहां पर आई विल बी डिस्कसिंग फोर मोर पॉइंट्स जो थोड़ा कोडिंग करने के बाद आपको फॉलो करने चाहिए. द फर्स्ट पॉइंट इज टू प्रैक्टिस एंड कम्पीट. ओके सो लेट मी एक्सप्लेन इसका क्या मतलब है. सी प्रोग्रामिंग इज नॉट लाइक फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इट्स नॉट अ थियोरिटिकल थिंग, इट्स अ स्किल. मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स में आप बहुत बुक्स पढ़ोगे ना तो आपको बहुत नॉलेज हो जाएगा एंड यू विल बी लाइक दिस ग्रेट गाय इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, राइट. बट प्रोग्रामिंग में इट्स नॉट लाइक दैट. प्रोग्रामिंग में आप अगर बहुत सारी बुक्स पढ़ लो तो इससे ये नहीं होगा कि आप प्रोग्रामर अच्छे बन जाओगे. आपको नॉलेज हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स का और आप इंटरव्यूज में भी अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाओगे. जब एक्चुअल कोडिंग सिनेरियो में आपको बिठाया जाएगा और आपको बोला जाएगा चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दो, विदाउट जब तक आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, जब तक कि आपके पास वो स्किल डेवलप नहीं है, आप नहीं कर पाओगे. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे स्विमिंग होता है, राइट, स्विमिंग इज अ स्किल. मतलब आप बहुत सारी बुक्स पढ़ लो स्विमिंग के ऊपर, आप अपने फ्रेंड्स को डेली देखो स्विमिंग करते हुए, उससे क्या आप स्विमिंग सीख जाओगे? नहीं. सिमिलरली कोडिंग प्रोग्रामिंग इज अ स्किल जो आपको खुद से करके सीखना पड़ता है, क्योंकि जब आप कोडिंग करते हो ना तो आई गेस आपके न्यूरॉन्स आपका नर्वस सिस्टम में यू नो रीवायरिंग होता है, आप एक अलग ढंग से सोचना सीखते हो और वो रीवायरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो तभी होता है जब आप खुद जाकर के कोडिंग करो. ओके सो प्लीज मेक इट अ हैबिट कि इफ यू आर ट्राइंग टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर सम डे तो आप डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर तो कोडिंग करो. हाफ एन आवर कोई बड़ी बात नहीं है यार, एक प्रॉब्लम उठाओ उसको सॉल्व करो, बस आज का दिन खत्म, कल पे फोकस करेंगे, राइट. सो जस्ट मेक श्योर यू गेट इनटू दिस हैबिट ऑफ कोडिंग, एक्चुअली मशीन पे कोड कर रहे हो, आउटपुट आ रहा है. ओके द सेकंड थिंग इज कंपीट. सो होता क्या है कि बहुत सारे प्रोग्रामर्स प्रैक्टिस करते हैं और मेहनत करते हैं अपने कोडिंग स्किल्स पे, बट वो एक मेजर गलती क्या करते हैं कि वो कंपीट नहीं करते, वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और इससे क्या होता है कि उनको कभी भी अपना स्टैंड पता नहीं चलता है कि वो कहां पे लाई कर रहे हैं, राइट. मतलब इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑलवेज कंपीट विद अदर पीपल, ऑलवेज सी कि आपका नॉलेज लेवल क्या है. कैसे कर सकते हो आप ये? बाय पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन. बहुत सारे हैकाथॉन्स होते हैं जहां पर आप जाते हो दिन भर के लिए, आप एक टीम में रहते हो, वहां पर आप उन टीम के साथ बैठ करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और अलॉन्ग द वे बहुत कुछ सीखते हो.
दूसरों से, राइट? सिमिलरली यू कैन पार्टिसिपेट इन सम कोडिंग कॉम्पिटिशन, इन सम कॉलेज फेस्ट, इन IITs, जहां पर जाकर के आप यू नो डायरेक्टली प्रेटेंड कर रहे हो IITs के स्टूडेंट्स के सामने या फिर आई डोंट नो बाहर के स्टूडेंट्स के सामने. वो आपको एक्सपोजर देता है कि भाई क्या चल रहा है. ओके, सो प्रैक्टिस करना इज गुड, बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप जाकर के लोगों के साथ यू नो खुद को मैचअप करो, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहां लाइन कर रहा हूँ, राइट? और कभी कभी इससे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है. मेरा एक स्टूडेंट था, he went to this hackathon in some IIT and from there he got an internship. उसको internship मिल गया, right? और उस internship से उसको pre-placement offer भी मिल गया. तो you never know कहाँ से क्या opportunity निकल के आएगा. तो just be open, okay? अगर आपके पास options नहीं है hackathons में participate करने का या coding competition से participate करने का, there are platforms like CodeChef और HackerRank और HackerEarth जहाँ पर आप अपना profile बनाओ और वहाँ पर online challenges होते रहते हैं और आप उनमें participate करो, okay? So this is very important, guys, that you practice and then you compete. This will keep you relevant in the industry. Now I'll tell you about a mistake that I did when I was a student. So मैं college में था तो मैं robotics में बहुत interested था और मुझे अभी तक याद है मैंने कम से कम अपने engineering college में engineering life में कुछ 20 से 25 robots बनाए होंगे. And if you know robots बनाने के लिए आपको codes लिखने पड़ते हैं, right? There is this language called embedded C जिसमें आप codes लिखते हो. अब अगर आज की डेट में आप मेरे से पूछो कि बताओ क्या कोड किया तुमने, व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट, शो मी, मेरे पास एक भी कोड नहीं है, मेरे पास एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है. वो सब आई डोंट नो कितनी बार मेरा मशीन फॉर्मेट हुआ, कितनी बार मैंने लैपटॉप चेंज किया, और अब मेरे पास मेरा पास्ट कोई भी काम नहीं है, एटलीस्ट मेरे कॉलेज टाइम का. और ये हम बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं गाइस जब हम स्टूडेंट होते हैं कॉलेज में. व्हाट वी डू इज वी डोंट अप्रिशिएट आवर वर्क. वो बस हमारे मशीन के एक फोल्डर में पड़ा रहता है और वो फोल्डर कब डिलीट हो जाता है पता भी नहीं चलता. सो I will tell you कि आपको आइडियली क्या करना चाहिए. आइडियली आपको अपने हर प्रोजेक्ट को, कितना भी छोटा हो यार, कितना भी छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने हर प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट करो. बाय डॉक्यूमेंट आई मीन टू थिंग्स. सबसे पहले उसके कोड को प्रिजर्व करना सो दैट आप फ्यूचर में कभी भी आकर के उसको देख पाओ. वन गुड सर्विस विच कैन हैंडल दिस फॉर यू इज GitHub. आई डोंट नो आपने शायद सुना होगा इसका नाम. GitHub पे आपको अकाउंट बनाना चाहिए और हर प्रोजेक्ट जो भी आप करो उसको आप GitHub पे पुश कर दो, उसका एक रिपोजिटरी क्रिएट कर दो, उसका एक बहुत अच्छा readme फाइल डाल दो. GitHub is an open source thing, तो कोई भी आपका प्रोजेक्ट देख सकता है. इनफैक्ट बहुत सारे रिक्रूटर्स क्या करते हैं, जब वो आपका इंटरव्यू लेंगे ना तो उसके पहले आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपका GitHub कोड देखते हैं, क्योंकि GitHub पे वो जाके आपका कोडिंग स्टाइल देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप सही मैच हो कि नहीं उनकी कंपनी के लिए. सो GitHub इज anyways वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो GitHub पे हर प्रोजेक्ट को पुश करो, राइट? उसका डिस्क्रिप्टिव readme फाइल लिखो सो दैट आप 2 साल बाद भी आओ ना तो आपको दिखे कि यार मैंने क्या काम किया था, और वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, राइट? सेकेंड, डॉक्यूमेंटेशन में सेकंड स्टेज होता है कि अपने लर्निंग्स को भी डॉक्यूमेंट करना. सो द फर्स्ट थिंग इज कि आप अपने कोड को डॉक्यूमेंट कर रहे हो सो दैट आप उसको बाद में कभी भी देख पाओ. द सेकंड थिंग इज कि आप एक प्रोजेक्ट करते टाइम बहुत कुछ सीखते हो, राइट? अब वो सीखने के लिए मतलब वो जो आपने सीखा वो वोलेटाइल है, राइट? आप हर चीज रिटेन नहीं कर सकते. अब मैंने जितनी चीजें पढ़ी बचपन से मुझे हर चीज याद नहीं है. सो वन गुड स्ट्रैटेजी इज टू डॉक्यूमेंट योर लर्निंग इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉग, राइट? हमारे हर स्टूडेंट को यही बोलते हैं और करवाते भी हैं कि तुमने अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, कितना भी छोटा प्रोजेक्ट हो, अगर तुमने टिकटॉक का गेम भी बनाया ना, तो तुम उसमें जो सीखे उसको एक ब्लॉग के फॉर्म में लिखो और अपनी लर्निंग्स को डॉक्यूमेंट करके वेबसाइट्स पे डालो. एक अच्छा वेबसाइट है medium.com. इट्स अ ब्लॉगिंग वेबसाइट जहां पे यू कैन क्रिएट योर फ्री अकाउंट और आप अपना ब्लॉग्स वहां पे डाल सकते हो. आई पुट सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां पे आप हमारे स्टूडेंट के कुछ ब्लॉग देख सकते हो, राइट? सो जस्ट मेक श्योर गाइस डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर. और इनका फायदा भी है यार, कल को अगर कोई गूगल कर रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में और आपने वो प्रोजेक्ट बना के medium.com पे डाल रखा है या फिर github.com पे डाल रखा है, वो गूगल सर्च इंजन में ऊपर आएगा, आपका नाम ऊपर आएगा. और इस तरह की चीजें आपको इंटरव्यू सिनेरियो में बहुत हेल्प कर सकती हैं, ठीक है? सो अगेन आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर, डॉक्यूमेंट योर लर्निंग, डॉक्यूमेंट योर कोड. नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट. सो एक और चीज जो आपको बहुत हेल्प करेगा एक अच्छा प्रोग्रामर बनने में, दैट इज ब्रेथ ऑफ नॉलेज, नॉट डेप्थ ऑफ नॉलेज, राइट? ब्रेथ ऑफ नॉलेज का मतलब है कि आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग करने ही नहीं आता, आपको उसके साथ के जितने कॉन्सेप्ट है ना वो भी आते हैं, राइट? आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स. सो प्रोग्रामिंग आप अपनी मशीन पे करते हो, मशीन में कोड एग्जीक्यूट होता है हार्डवेयर लेवल पे जाकर के और फिर चेंजेस दिखाई देते हैं, राइट? सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस में जो भी चीजें लगी हैं आप उनको समझने का ट्राई करो. वन गुड एग्जांपल इज ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स पढ़ना कि कैसे बिहाइंड द सीन्स प्रिंटर फंक्शन मॉनिटर पे चीज को प्रिंट करा के दिखा रहा है, या कैसे स्कैनर फंक्शन कीबोर्ड से इनपुट को लेकर के मुझे लेता है, राइट? ओएस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ना,
यू कैन ऑल्सो लर्न नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट कि कैसे आपस में चीजें बात कर पा रही हैं, राइट. यू कैन ऑल्सो स्टडी कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर कि कैसे कंपाइलर डिजाइन होता है. यू कैन ऑल्सो लर्न अबाउट एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स. ओके, यू कैन लर्न अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज कि कैसे क्लाउड पे चीजें काम करती हैं, सर्वर पे कैसे आप चीजों को होस्ट करते हो, राइट. सो देयर आर अ बंच ऑफ टेक्नोलॉजीज जो आपको सीखना चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर, राइट. क्योंकि आपको जितना ब्रेथ ऑफ नॉलेज होगा ना, आप उतना ज्यादा ओवरव्यू ले पाओगे किसी भी प्रोजेक्ट का, आप ज्यादा समझ पाओगे, ठीक है. सो आई ऑलवेज फील कि एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जिसको हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का नॉलेज होता है. सो ट्राई टू कल्टिवेट दिस नॉलेज. कैसे करोगे? सी, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है. देखो, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास ये ब्रेथ ऑफ नॉलेज नहीं है, तभी दे आर डूइंग गुड इन देयर करियर्स. बट इट्स ऑलवेज अ गुड ऑप्शन टू हैव गुड ब्रेथ ऑफ नॉलेज, राइट. सो कैसे करना है ये कि यू कैन गो टू यूट्यूब एंड यू कैन सर्च फॉर MIT कोर्सेज. इनमें से हर टॉपिक जो मैंने बोला इसके आपको कोर्सेज मिल जाएंगे यूट्यूब पे. आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है. जस्ट एक रूटीन बना लो कि यार मुझे एक बार में एक कोर्स को कंप्लीट करना है. और मैं कैसे करूंगा? वीकेंड्स पे दो लेक्चर देखूंगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं. और जो मैंने सीखा उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्लॉग्स लिख दूंगा या फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा और उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा. सो बस इतना करने से ना, गेस व्हाट, आप एक से दो सालों के अंदर आपके पास ये ब्रेथ ऑफ नॉलेज आ जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट. वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन सब्सक्राइब टू यू नो चैनल्स और फेसबुक पेजेस जहां पे इस तरह के कॉन्सेप्ट या इस तरह की चीजों की बात होती है. सो आपका न्यूज फीड में नॉर्मली आने लग जाएगा और आप सबकॉन्शियसली नॉलेज एब्जॉर्ब करने लग जाओगे, ठीक है. बट अगेन दिस इज काइंड ऑफ ऑप्शनल, बट इफ यू वॉन्ट टू इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. ओके, सो द लास्ट स्टेप एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और ये मैं गाइस बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ एज अ टीचर, एज अ प्रोग्रामर, एंड दिस इज द थिंग. सो स्टूडेंट्स में एक अजीब सा जल्दी देखा है मैंने कि व्हाट दे डू इज इफ दे लर्न अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तुरंत से उनका नेक्स्ट इंस्टिंक्ट है कि अब नेक्स्ट कौन सा लैंग्वेज सीखना है, फिर नेक्स्ट कौन सा लैंग्वेज सीखना है, फिर नेक्स्ट कौन सा लैंग्वेज सीखना है. सो मैंने स्टूडेंट्स का मेंटालिटी नोटिस किया है कि उनके दिमाग में यह है कि जितने ज्यादा लैंग्वेज मुझे आते होंगे उतना ज्यादा मेरा प्लेसमेंट का चांसेस है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग गाइस. मैं इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, मैं इंटरव्यूज ले चुका हूँ, और आई कैन टेल यू दिस कि ये मेंटालिटी विल नॉट हेल्प यू. इसका ठीक उल्टा आपको करना होता है. यू हैव टू पिक वन लैंग्वेज और एट मैक्स टू लैंग्वेजेस एंड यू हैव टू बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट लैंग्वेज. आपको 5-10 प्रोजेक्ट्स करने होते हैं उसके ऊपर, राइट. आपको इंटर्नशिप करना होता है उसके ऊपर, राइट. और कैसे पता चलता है कि आप एक्सपर्ट बन गए? कैसे पता चलता है? कॉलेज लेवल में मैं बताता हूँ कैसे पता चलता है whether you have become an expert or not, कि लोग आपको जानने लग गए उस चीज के नाम से. भाई ये बंदा तो दिन भर पाइथन पे ही काम करता है, इसको तो सिर्फ पाइथन आता है. लोग आपके बारे में ऐसे बात करने लग जाए. मतलब कोई जूनियर अगर आपके हॉस्टल में आके पूछ रहा है कि मुझे पाइथन में हेल्प चाहिए, तो आपका बैचमेट आपके रूम में भेज रहा है कि जा भाई उस रूम में जा. उस रूम में बैठा हुआ बंदा हमेशा पाइथन में ही कोड करता है. व्हेन और ये एक्सपर्टीज आपको हेल्प करेगा गाइस. मतलब आप अगर प्लेसमेंट में जाके बैठोगे ना और पाइथन बेस्ड इंटरव्यू चल रहा है या प्लेसमेंट प्रोसेस चल रहा है, तो बाकी लोग आपसे डरेंगे कि यार ये बंदा आ गया, एक सीट तो गई अपनी, क्योंकि ये तो पाइथन पे ही काम किया 4 साल, राइट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि डोंट बिकम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बिकम द मास्टर ऑफ वन, राइट. एक लैंग्वेज को पिक करो या दो लैंग्वेजेस को पिक करो, जो भी है आपका, उससे ज्यादा नहीं यार. उसमें ही आप अपना 4 साल डेडिकेट करो, बिकम एन एक्सपर्ट, ओके, एंड डू इंटर्नशिप्स, डू प्रोजेक्ट्स, आई डोंट नो, पब्लिश रिसर्च पेपर्स. देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, राइट. क्रिएट अ यूट्यूब चैनल और क्रिएट अ वेबसाइट फॉर इट, टीच स्टूडेंट्स, क्रिएट अ सोसाइटी. यू कैन डू सो मेनी थिंग्स विद वन सिंगल लैंग्वेज, राइट. सो प्लीज डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. बहुत सारे लोग आएंगे और आपको डराएंगे कि तुझे तो ये लैंग्वेज नहीं आता, फ्यूचर में तो ये होगा. नहीं, जस्ट गो एंड सर्च ऑन गूगल, गूगल ट्रेंड्स पे जाओ, पता करो जो लैंग्वेज आप सीख रहे हो उसका फ्यूचर क्या है, और दैट्स इट गाइस. और आपको बस उतना ही करना है एंड जस्ट एफर्ट मार के यू हैव टू बिकम एन एक्सपर्ट. सो दैट वॉज इट गाइस. आई नो इट हैज बीन अ लॉन्ग वीडियो, अराउंड 1 घंटा हो गया होगा शायद मेरे बोलते बोलते, बट आई गेस आई वॉज एबल टू हेल्प यू, राइट. और इफ यू वॉन्ट एनी काइंड ऑफ हेल्प, मैंने अपना ईमेल आईडी वहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड आई बी हैप्पी टू हेल्प यू. ओके, सो लेट्स मीट इन सम नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय.